जी दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म स्वास्थ्य। मित्रों, आज के इस विशेषांक में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी वर्ष 2021 में क्या दान करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि साल में 24 एकादशी होती है और एकादशी अर्थात भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दोस्तों, हर एक एकादशी का अपना महत्व होता है, परंतु निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्रती को साल की बाकी जो 23 एकादशी व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चूंकि दोस्तों यह ग्रीष्म काल में पड़ता है, इसलिए निर्जला एकादशी का दान जो है ग्रीष्म काल में दिया जाने वाला दान बहुत ही पुण्य माना जाता है। इस साल निर्जला एकादशी 21 जून 2021 को पड़ रही है। दोस्तों, निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत करने से व्यक्ति की दीर्घायु, वायु, संतान, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, तो निर्जला एकादशी में हमें जानते हैं दोस्तों कि चूंकि यह ज्येष्ठ मास में पड़ता है, इस समय गर्मी की तपन के कारण हमें शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूरी उफान पर होता है, इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी में राहत दिलाने वाले वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सुयोग ब्राह्मणों को जूते दान देना, चप्पल दान देना भी दोस्तों शुभ माना जाता है। जूते दान करने वाला व्यक्ति सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। इस व्रत में अन्न दान, छाता दान, बिस्तर दान, वस्त्र दान का भी एक अपना ही अलग महत्व होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चना और गुड़ का दान करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है और इस दिन जूते, छाता और पंखा का दान करना भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आम और अरबूज दान करना भी इस दिन परम पुण्यदायी माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस विशेषांक में आपने जाना कि वर्ष 2021 में निर्जला एकादशी पर हम क्या दान कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई, तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।